नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। सिंदरी का नाम आपने सुना होगा। जी हां, यूरिया के लिए यह जगह प्रसिद्ध रहा है। यूरिया उत्पादन यहां होता है। हर्ल के नाम से यह जो जगह है वह प्रसिद्ध है, और यह तब और प्रकाश में आया जब 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसका शिलान्यास करके गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसका सिर्फ शिलान्यास ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसका उद्घाटन भी करने मैं आऊँगा। अर्थात उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कार्य इतनी तेज़ी से होगी, कार्य प्रगति पर है कि उनके शासन काल में ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और लोगों के लिए यह खोल दिया जाएगा, किसानों के लिए यह वरदान साबित होगा। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, हमारे साथी हैं, दिखाएंगे कि इतनी शीघ्रतापूर्वक इस कंपनी को बनाकर तैयार किया गया कि अब यहाँ यूरिया का उत्पादन हो रहा है। कहा जाता है कि पहले से 6 गुना अधिक मात्रा में पैदा करने की क्षमता यहाँ के कंपनी को है, और यहाँ 6 गुना अधिक पैदावार हो रहा है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि यह हमारे समय का देन है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि यदि आपकी मानसिकता ठीक थी तो यह बंद क्यों हुआ। और निश्चित तौर पर इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जिन्होंने तत्परतापूर्वक इसे लिया और आज यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। आप हमारे पीछे देख लें कि प्रोडक्शन पूरी तरह से तैयार है और यह कंपनी चालू अवस्था में है। कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। इधर पूरा हम दिखाना चाहेंगे, पूरे क्षेत्र में यह पहला हुआ क्षेत्र है। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे तो आप समझ लें किसानों का उत्साह कितना होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। जिस तरह लगातार बातें हो रही है कि बीजेपी के समय में बेरोजगारी बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कारखाने जिस तरह से खुल रहे हैं तो बेरोजगारी दूर होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो यह दावा है, प्रधानमंत्री का जो दावा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, वह निश्चित तौर पर सफल होता दिख रहा है। कल यानी 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री इसी फैक्ट्री का आकर उद्घाटन करेंगे। हेलीकॉप्टर से वो यहाँ आएंगे, पीछे हेलीपैड बना हुआ है, इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हवाई अड्डा जाएंगे बरबड्डा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर वह दिल्ली लौटेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि यह जो हर्ल है वह अब प्रोडक्शन के लिए तैयार है। अब यह सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी यहाँ से यूरिया देने में सक्षम हो पाएगी। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज़।